तेज रफ्तार कार ने फरीदाबाद में ऐसा कहर ढाया कि पूरा परिवार बिखर गया और कार भी किसी और की नहीं बल्कि पुलिस वाले की थी। एसयूवी कार पर गौर से नजर डालेंगे तो आपको उसमें बकायदा पुलिस का आगे और पीछे शीशे पर स्टिकर लगा हुआ दिखाई देगा। यह हादसा फरीदाबाद के NH 19 पर अजरौंदा मेट्रो स्टेशन के पास हुआ। जब एक महिला सड़क पार कर रही थी तभी एक तेज रफ्तार एसयूवी कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना दर्दनाक था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महिला के पति सुनील के मुताबिक लगभग पौने घंटे तक उसकी पत्नी को टक्कर मारने वाले पुलिसकर्मी एम्बुलेंस के आने का इंतजार करते रहे। जब एम्बुलेंस आई तब तक काफी देर हो चुकी थी। मुझे तो किसी दूसरे ने बताया किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं गया दौड़ के देखने के लिए, तो मुझे मैं देखा मेरी पत्नी है। दौड़ के कैसे, पास में घर है क्या आपका? नहीं, दूर है तो पता चल जाता है ना, तो मैं दौड़ के गया। देखो मैं नहा के कपड़ा पहन ही रहा था तो पता चला एक औरत का एक्सीडेंट हुआ। हाँ, तो मुझे लगा मेरी भी वाइफ जाती है काम करने, मैं भी गया दौड़ के देखने। औरत का पता चला तो भागे आप? जी। तो कहाँ हुआ था एक्सीडेंट? ये लीलम में हुआ था, अजरौंदा के पास। जी। अच्छा, अजरौंदा मेट्रो से थोड़ा आगे। अच्छा अच्छा, 15-16 के कट पर। ठीक, 15-16 के कट। फिर किस गाड़ी से हुआ है क्या पता चला आपको? ये गाड़ी बता रहे ना भाई साहब कि पुलिस वाले का। हाँ, स्टिकर लगा हुआ है। जी। तो मार के भाग गए हो या पकड़े, उन्होंने कुछ मदद की थी? मैं तो अपना इनको उठा के लेके आया, अब गाड़ी वाले वहीं पे थे, रुके हुए थे, मैं एम्बुलेंस में रख के आया यहाँ हॉस्पिटल में। तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गई थी क्या? वो वहीं एक्सपायर हो गई थी? तो भी हो सकती मेरे को। फिर कहाँ ले गए थे इलाज के लिए? यहाँ ये कौन सा हॉस्पिटल है? अस्पताल लाए थे। हाँ, यहाँ एक्सपायर हो गई है। जी। बस किसी इस भाई ने आके बताया कि वहाँ पे रोड पे एक्सीडेंट हो गया, हमें ऐसा लगता है कि आपकी शायद वाइफ है। अच्छा। तो ये लोग, हम लोग सारे के सारे जितने भी थे हम सब भाग के गए, देखा हमने तो इन्हीं की वाइफ थी। तो सर हमने इतना नहीं देखा कि कौन किसने मारा क्या है, बट लोगों ने बताया कि पुलिस वाले की गाड़ी थी, उस पर स्टीकर लग रहा था पुलिस का, उसमें पुलिस वाले मौजूद थे, सारे ड्रेस में मौजूद थे। फिर हाँ, फिर उन्होंने क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस अपने आप बुलाई, उनमें एम्बुलेंस में शिफ्ट करवाया और हम यहाँ पे लेके आए। उन्होंने फिर यहाँ पे आके एड्रेस वगैरह लिखा है, उन्होंने कहा पता। तो अस्पताल में लाए तो क्या हुआ? अस्पताल में लेके आए, उन्होंने इमरजेंसी में दिखाया, वहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ मोर्चरी में भेजा। मोर्चरी में भेजने के बाद अब बोलते हैं कि कुछ एड्रेस वेड्रेस लिख के नंबर वंबर लेके हमें 15 सेक्टर का चौकी लगती है हमारी, वहाँ पे हमें बुलाया। वहाँ पे कह रहे हैं कि आके मतलब वो जो भी है पूछताछ वगैरह जो करने के FIR जो भी है करके कह रहे हैं पोस्टमार्टम करवा लीजिए जल्दी से जल्दी। फिलहाल महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में मोर्चरी में रखवा दिया गया है। फिलहाल इस मामले में अब सुनील चाहते हैं कि उनकी पत्नी को टक्कर मारकर मौत के घाट उतारने वाले कार सवार सभी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।